दोस्तों आज हम देखेंगे आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और ए रेशियो कहाँ पे यूज़ होता है और कितने तरीक़ों से कैलकुलेट किया जाता है, ये हम लोग आज देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, सर्वहैंड अपडेट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों पहले तो बता दूँ, आरओई दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और दोनों रूल में आपको जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो देखते हैं रूल नंबर वन क्या है। रूल नंबर वन, पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज इजिकल टू आरओई। और रूल नंबर टू में पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड। दोस्तों ये जो शेयर होल्डर्स फंड है, ये पहले रूल में भी शेयर होल्डर्स फंड ही आएगा, यानी कि टोटल एसेट को अगर आप टोटल लाइबिलिटी से माइनस कर देंगे तो आपका टोटल शेयर होल्डर्स फंड आएगा और उसे आप अगर पैट के साथ डिवाइडेड कर देंगे तो आपका आरओई निकल के आएगा। तो दोस्तों एक लाइव कैलकुलेशन से देख लेते हैं कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये मैंने ओपन कर लिया है मनी कंट्रोल के वेबसाइट को। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का नाम टाइप करके उस कंपनी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, यानी कि उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट और रेशियोज। यहाँ पर आपको रेशियोज रेडीमेड भी मिल जाता है। जैसे मैंने खोल रखा है क्यूपिट लिमिटेड का रेशियोज। तो अब हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए हम लोगों को चाहिए टोटल करंट लाइबिलिटीज़ प्लस टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ यानी कि टोटल लाइबिलिटीज़, और ये हम टोटल एसेट के साथ माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी है 2.09 करोड़ एंड टोटल लाइबिलिटीज है, करेंट लाइबिलिटीज है 14.92 करोड़। तो हम लोग इसको एक्सेल में लिख के देख लेते हैं, 2.09 करोड़ प्लस 14.92 करोड़, टोटल लाइबिलिटी है 17 करोड़। और टोटल एसेट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कितना है टोटल एसेट। टोटल एसेट है 92.94 करोड़। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 92.94 करोड़। अभी देखते हैं दोनों को मिला के कितना आता है टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड दिखा रहा है 75.9। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा शेयर होल्डर्स फंड कितना दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है 75.94, यहाँ पे भी है 94। मैं और एक बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे डिजिट, तो ये देखिए 75.93। तो कैलकुलेशन हमारा सेम ही आया है। अब देखते हैं इसका आरओई कितना है। तो आरओई का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो प्रॉफिट के लिए हम लोगों को ओपन करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा लास्ट ईयर का 15.21। ये देखिए मार्च 2009 का ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस टोटल दिखा रहा है 15.21। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 15.21 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पे हमारा टोटल आरओई आ जाता है 0.20। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कितना होता है, यहाँ पे कितना दिखा रहा है रेशियोज में। तो रेशियोज में यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑन नेटवर्थ और इक्विटी परसेंटेज में दिखा रहा है 20.02, यानी कि हमारा भी सेम आया है। यहाँ पे परसेंटेज में दिखा रहा है, अगर हमें ये कैलकुलेशन परसेंटेज में लाना है तो इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 20.03, वहाँ पे 02 आया था, यहाँ पे 03। तो थोड़ा कैलकुलेशन का मिसमैच इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे ही मिसमैच है, यहाँ के बैलेंस शीट में ही मिसमैच है इसलिए। और अभी हमारा दूसरा मेथड जो कहता है कि आप डायरेक्ट शेयर होल्डर्स फंड ले सकते हैं पैट के साथ डिवाइडेड करने के लिए। तो दूसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। टोटल हमारा
लाइबिलिटीज यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत है पैट, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट की ज़रूरत है। और पैट हमारा है यहाँ पे 15.21 करोड़। तो अभी आरओई कितना आता है देख लेते हैं। और यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स फंड दिखा रहा है वो भी सेम ही है। शेयर होल्डर्स फंड यहाँ पे आप देखिए 75.94, तो 75.94। तो अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि दो रेशियो सेम आता है कि नहीं। तो पैट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड देखिए, और अभी इसको परसेंटेज में लाने के लिए हम लोगों को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 मल्टीप्लाई यानी कि 20, और नंबर बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पे 20.029, और यहाँ पे रेशियो में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी 20.02, तो सेम ही आया है। दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कंपनी कैसे डेट को बढ़ा के प्रॉफिट परसेंटेज को बढ़ा देता है। इसके लिए पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कंपनी में कितने तरीकों का फंड होता है। दोस्तों कंपनी में 4 तरीकों का फंड होता है। पहले तो आ जाता है कॉमन इक्विटी, जो आप हम लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर्स का ओरिजिनल फंड। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी बहुत दिनों से अपना बिजनेस चला रहा है तो कुछ ना कुछ तो जमा हुआ पूंजी है कंपनी के पास, तो उसे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं, कंपनी का एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा अर्न मनी। तीसरा है प्रेफर्ड इक्विटी। कंपनी किसी को बोला है कि आप हमें पैसा दे दो और हम आप लोगों को साल के आखिर में कॉमन इक्विटी को जब डिविडेंड देंगे उससे पहले ही आप लोगों को डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप लोग प्रेफर्ड इक्विटी हो, यानी कि आप लोग स्पेशल हो, कॉमन इक्विटी से स्पेशल हो, मगर आप लोगों को कोई वोटिंग पावर नहीं दिया जाएगा। दोस्तों कॉमन इक्विटी का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो है वोटिंग पावर, और प्रेफर्ड इक्विटी का कोई वोटिंग पावर नहीं होता, उन लोगों को सिर्फ अपने डिविडेंड से, फिक्स्ड डिविडेंड से मतलब होता है। और चौथा है जो डेट फंड। डेट फंड क्या होता है? मान लीजिए आप कंपनी में कोई एक्सपेंशन करना चाहते हो या कोई सुधार लाना चाहते हो या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो उसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी बैंक से लोन लेता है, उसे डेट फंड कहते हैं। और डेट फंड का रिपेमेंट इंटरेस्ट के साथ हर महीने आपको लौटाना पड़ता है। तो अभी हम लोग दो कंपनी का एग्जांपल लेंगे कि कैसे कंपनी डेट को, सिर्फ डेट को बढ़ा के अपना प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा देता है। तो पहले हम लोग फर्स्ट कंपनी का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कंपनी का कॉमन इक्विटी है 20, रिजर्व एंड सरप्लस है 10, प्रेफर्ड इक्विटी है 20 रुपीस, तो टोटल कंपनी का शेयर होल्डर्स फंड हो गया है 50 रुपीस, और कंपनी ने डेट लिया है 30 रुपीस, जिसका इंटरेस्ट है 10% ईयरली। तो कंपनी का टोटल एसेट हम लोग देख लेते हैं, टोटल एसेट हो जाता है 80 रुपीस, क्योंकि डेट और शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी कि लाइबिलिटी और शेयर होल्डर्स इक्विटी को मिला के ही जितना हमारा बैलेंस बनता है उतना ही एसेट होगा, क्योंकि बैलेंस शीट का रूल्स ही ऐसा है कि दोनों दिख बैलेंस होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा लाइबिलिटी बन जाता है 30 रुपीस। तो कंपनी को जब प्रॉफिट निकालना होता है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना होता है, तो कंपनी को PBIT यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस करना पड़ता है, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस साल कंपनी का प्रॉफिट आया है 20 रुपीस, जिसके हिसाब से कंपनी का इंटरेस्ट बन जाता है 10%, 30 रुपीस का 3 रुपीस, तो 20 से अगर हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो रह जाता है 17, और कंपनी का जो इनकम टैक्स है वो 30% के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इंडिया में 30 से ज़्यादा भी होता है और कम भी होता है, तो वो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। तो अगर 30% मान के चले तो 17 का 30% हो जाता है 5 point something पैसा, 5 रुपये, तो 17 से 5 रुपये माइनस कर देने से पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है 12 रुपया। तो 12 रुपये को हम लोग अगर शेयर होल्डर्स फंड से डिवाइडेड कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो 12 रुपया डिवाइडेड बाई हमारा टोटल शेयर होल्डर्स फंड था 50 रुपीज़, 50 इज इक्वल टू 24% आ जाता है हमारा प्रॉफिट।
अभी देखते हैं सेकंड कंडीशन में क्या होता है। सब कुछ सेम ही है, कंपनी का शेयर होल्डर्स फंड टोटल सेम ही है, मगर यहाँ पे प्रेफर्ड इक्विटी नहीं है। कंपनी प्रेफर्ड इक्विटी ना लेके कंपनी डेट बढ़ा लेता है। कंपनी का कॉमन इक्विटी है 20 रुपीज़ दूसरे कंपनी में, और रिजर्व एंड सरप्लस है 10 रुपीज़ इजिकल टू शेयर होल्डर्स फंड है 30 रुपीज़, ओनली 30 रुपीज़, और कंपनी डेट बढ़ा लिया है तो डेट इसके हिसाब से 70 रुपीज़ कंपनी ने डेट लिया है, जिसका इंटरेस्ट सेम ही 10%। कंपनी का टोटल एसेट हो गया है 100%, क्योंकि 70 रुपीज़ है डेट और कॉमन शेयर होल्डर्स फंड है 30, तो 70 प्लस 30 100 रुपीज़ कंपनी का एसेट होना चाहिए उसके हिसाब से, और लाइबिलिटी कंपनी का ऑब्वियसली 70 रुपीज़। तो PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से अगर हम लोग इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारा पैट बन जाता है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस सिचुएशन में भी सेम ही कंपनी को 20 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ था, जिसके साथ कंपनी अपना 10% के हिसाब से डेट जो लिया था वो माइनस कर रहा है। 70 रुपीज़ का 10% हो जाता है 7 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ से अगर 7 रुपीज़ माइनस हो जाता है तो रह जाता है 13। अभी 13 रुपये के ऊपर कंपनी को इनकम टैक्स देना पड़ेगा, 30% बन जाता है इनकम टैक्स, तो 30% के हिसाब से 4 रुपये के आसपास आ जाता है हमारा इनकम टैक्स। और अगर 13 रुपीज़ से हम लोग 4 रुपये माइनस कर देंगे तो रह जाता है हमारा 9 रुपया, तो 9 पैट बन जाता है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा है 9 रुपीज़। अभी ROE निकालने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड, तो 9 रुपीज़ डिवाइडेड बाई हमारा शेयर होल्डर्स फंड कितना था 30 रुपीज़, उसका अगर डिवाइडेड कर देंगे तो 30% बन जाता है। देखिए दोस्तों, पहले कंपनी में 50 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और हमारा प्रॉफिट आया था 12 रुपया, यानी कि 24%। सेकेंड कंपनी में हम लोग 30 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और हमारा प्रॉफिट बन जाता है 9 रुपीज़, यानी कि 30%। तो यहाँ पे आप लोग बोलेंगे सेकेंड कंपनी ऑब्वियसली अच्छा है क्योंकि 30 रुपीज़ इन्वेस्ट हुआ था, मगर यहाँ पे डेट भी इन्वेस्ट होता है, डेट भी एक कंपनी का कैपिटल ही है। तो इसलिए जब भी आप ROE कैलकुलेशन करते हैं तो ROE के साथ साथ और भी रेशियो देखिए कि कहीं कंपनी का डेट तो ज़्यादा नहीं है। अगर कंपनी का डेट ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा ही दिखाएगा, क्योंकि डेट कैपिटल ROE में आता ही नहीं है। तो ये तो अच्छा सिचुएशन है, कंपनी 30% प्रॉफिट कर रहा है, अगर इकोनॉमिक गुड चल रहा है, इकोनॉमी का कंडीशन बहुत ही अच्छा है तो सब ठीक है। अभी देखते हैं इकोनॉमी जब खराब कंडीशन में होता है, जो कि अभी है, अभी 2019 को इकोनॉमी खराब कंडीशन में चल रहा है, बहुत कंपनी अपना जो प्रोडक्शन है वो कम कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहा है यानी कि निकाल दे रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है। तो फर्स्ट कंपनी सेम ही एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट कंपनी का PBIT माइनस IT इज इक्वल टू PAT, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो खराब कंडीशन में मान लेते हैं कंपनी प्रॉफिट कर रहा है 6 रुपीज़, तो 6 रुपीज़ के साथ कंपनी का डेट था 30 रुपीज़, तो कंपनी के 30 रुपीज़ में 10% हमारा डेट परसेंटेज यानी इंटरेस्ट था, तो 6 रुपीज़ से अगर हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो रह जाता है हमारा 3 रुपीज़, और 3 रुपीज़ के ऊपर हम लोग अगर टैक्स देंगे तो टैक्स हमारा 30 रुपीज़ के हिसाब से बन जाता है 1 रुपये के आसपास, यानी कि 90 पैसे 1 रुपये, तो 1 रुपये पकड़ के चलते हैं। तो 3 रुपीज़ माइनस 1 इज इक्वल टू PAT, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा बन जाता है 2 रुपया। अभी इस 2 रुपीज़ के साथ हम लोग शेयर होल्डर्स फंड को डिवाइडेड करेंगे और देखेंगे कि कितना परसेंटेज कंपनी का रिटर्न आता है। तो 2 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 50 हमारा शेयर होल्डर्स फंड था पहले कंपनी का अच्छे इकोनॉमी में, तो सेमी यहाँ पे भी रहेगा, तो इज इक्वल टू हमारा निकल के आता है 4%, वो भी पॉजिटिव रिटर्न। तो आपको लगता होगा कि सेकंड कंपनी भी इससे ज़्यादा कर रहा है, लेकिन देखिए सेकंड कंपनी का कंडीशन क्या है। सेकंड कंपनी जो है वो उसका भी कैलकुलेशन सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम ही रहेगा, PBIT माइनस IT इज इक्वल टू PAT, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो उसका भी जो प्रॉफिट आया है वो 6 रुपीज़ ही आया है, उसके साथ हम लोग पहले माइनस करेंगे कंपनी का डेट का इंटरेस्ट, तो डेट कितना था 70 रुपीज़, 70 रुपीज़ का 10% है 7 रुपीज़, 6 रुपीज़ के साथ हम लोग 7 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमारा PAT बन जाता है माइनस 1, यानी कि नेगेटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव रिटर्न के साथ आप जितना भी शेयर होल्डर्स फंड को डिवाइडेड करें आपका ROE निकल के नेगेटिव ही आएगा। देखिए दोस्तों, डेट अच्छा है
गुड इकोनॉमी के लिए। अगर आपका डेट बहुत ही ज़्यादा है तो बैड इकोनॉमी में कंपनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा और सर्वाइवल के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और ये जो नेगेटिव ₹1 रिटर्न आ रहा है, ये शेयर होल्डर्स फंड से हर साल निकल के चला जाएगा, क्योंकि भरपाई तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। और ये कहाँ से होगा? ये शेयर होल्डर्स के फंड के ऊपर से होगा। तो जब आप एक कंपनी का एनालाइज करते हैं तो ROE रेशियो के साथ साथ आप और भी रेशियो देखिए, जैसे कि ROC रेशियो, और भी बहुत सारा रेशियो है कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के लिए, वो भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। तो आप वो भी रेशियो देखिए। और कंपनी का डेट कितना ख़राब होता है वो तो मैंने यहाँ पे बता दिया है आप लोगों को। अगर आप अच्छे से इंटरप्रेट करना चाहते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट को रेशियोज़ के मदद से, तो ज़रूर ये बात कंसिडर करेंगे कि कंपनी का इकोनॉमी गुड कंडीशन में क्या हो रहा है, बैड कंडीशन में कितना ख़राब हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज आप लोग कुछ सीखे हैं यहाँ से। अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से दूसरे किसी बंदे का हेल्प हो जाए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है या करना चाहते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है या कोई भी क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, आखिर में मैं आप लोगों के पास से क्षमा चाहता हूँ मेरे वॉइस के कारण, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक एक टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा वॉइस अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों के पास से। धन्यवाद।